डर उस इंसान को लगता है बेसिकली जिसके पास बहुत कुछ छुपाने के लिए होता है. वाज वेरी कूल, आई डोंट हैव एनीथिंग टू हाइड अबाउट. इट्स ओके, मुझे लगता है पीपल विल हेट मी और लव मी, बट यू नो यू कांट इग्नोर मी. सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com. मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और एक सॉन्ग की शूटिंग पे इस वक्त हम उसके साथ जो मेन लीड एक्ट्रेस हैं सृष्टि रोड. वेलकम टू joinfilms. थैंक यू सो मच. ये किस तरह का सॉन्ग है सृष्टि और आप इसमें क्या कर रहे हो? ये एक बहुत ही फन सॉन्ग है, हिंदी पंजाबी मिक्स. एंड बहुत ही एक्साइटेड थी हम लोग ये सॉन्ग शूट करने के लिए, बिकॉज मुझे हमेशा से एक म्यूजिक वीडियो करना था. एंड सारे फ्रेंड्स मिलके मतलब हम ये कर रहे हैं तो और भी ज्यादा अच्छा हो गया, बिकॉज वी नो ईच अदर सो वेल. एंड ऑफ कोर्स दिस इज वर्क, सो इट्स वर्क आल्सो एंड फन आल्सो टुगेदर. तो आप सोच सकते हैं कि प्रोडक्ट कितना मजेदार होगा. एंड बहुत ही ज्यादा पेपी क्लब सॉन्ग है बेसिकली. एंड आई एम रियली एक्साइटेड, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि ये रिलीज कब होगा. पहले क्या होता था, फिल्म्स में बहुत सारे सॉन्ग होते थे, अब एक सॉन्ग में एक फिल्म की कहानी होती है. राइट, तो इसके लिए एक्टर को बहुत अच्छा चांस भी मिल जाता है, बहुत वेटेज. हां मतलब सी आई लव म्यूजिक, आई लव डांसिंग एंड दिस इज माय फोर्टे. तो जितना हम लोग आपस में भी ये शूट करने के लिए, ये जब हम शूट कर रहे हैं, हम ये सॉन्ग जितना एंजॉय कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं जल्द से जल्द रिलीज हो ताकि ऑडियंस भी इस सॉन्ग को उतना एंजॉय कर सके. बिकॉज सॉन्ग्स आई थिंक हम मूवीज कोई कोई बहुत मिस कर जाते हैं, यू नो, बट जो सॉन्ग्स होते हैं इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि सॉन्ग्स के एग्जैक्टली सॉन्ग्स के को देखकर लोग एक्चुअली फिल्म्स देखने जाते हैं. मतलब कई बार मैं तो करती हूँ, जब मुझे कोई गाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो मैं उस वो गाना देखने के लिए स्पेशली मैं मूवी देखने जाती हूँ. एंड आई थिंक एक सॉन्ग की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, लाइक यू नो हम नॉर्मली भी हम पिक्चर सुनते नहीं रहते, हम पिक्चर के गाने जरूर सुनते हैं. सो या सॉन्ग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सृष्टि मुझे आप बताओ कि एक्टिंग करियर आपका कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? मेरा एक्टिंग करियर शुरू हुआ 2007 में, सो इट्स बीन 12 इयर्स नाउ, गुड 12 इयर्स. इट स्टार्टेड विद बालाजी का एक शो मैंने किया था फॉर वेरी लिटिल टाइम. उसके बाद आई थॉट आई डू एड्स, तो फिर मैंने बहुत सारे एड्स किए थे. एंड देन बैक टू टीवी अगेन विद अ शो ऑन स्टार वन. एंड उसके बाद से तो या ओके ग्रेट. उसके बाद आपने किया बिग बॉस है ना, तो इस बीच में आपने कितने प्रोजेक्ट्स किए? तो प्रोजेक्ट्स तो काफ़ी सारे किए, जैसे वो बालाजी के शो के बाद मैंने पहले तो एड्स किए, फेयर एंड लवली, मिसेस मरीनो हेयर सॉफ्टनर एंड ऑल. उसके बाद मेरा शो आया था एज अ मेन लीड, दैट वाज ऑन स्टार वन 2009-10 में आया था. इट वाज कॉल्ड ये इश्क है स्टार वन पे. उसके बाद था शोभा सोमनाथ की ऑन जी टीवी. देन मैंने स्पेशल अपीयरेंस किया था छोटी बहू एज राधा रानी. एंड उसके बाद पुनर्विवाह के बाद सरस्वती चंद्र के बाद मैंने एक नेगेटिव थोड़ा सा एक कैरेक्टर किया था हेलो प्रतिभा. एंड देन चलती का नाम गाड़ी ऑन सब टीवी, दैट वाज अ कॉमेडी शो. उसमें मुझे करने में बहुत मजा आया, बिकॉज कॉमेडी शोज आर वेरी लाइट, यू नो आपको सेट पे जाके भी माहौल बहुत लाइट ही लगता है, क्योंकि रोना धोना नहीं होता, जस्ट वेरी फन शूटिंग. तो बहुत मजा आया था मुझे शूट करने में. एंड देन ऑफ कोर्स बिग बॉस. ओके, तो मतलब पॉजिटिव कर लिया, नेगेटिव कर लिया, कॉमेडी कर लिया, ऐसा क्या छूट गया था कि बिग बॉस में जाना जरूरी था? मैंने कभी रियलिटी शो नहीं किया था. अच्छा, एंड यस रियलिटी शो शूट किया था और वो भी करने का मौका मिला. एंड आई थिंक इट्स द बिगेस्ट रियलिटी शो ऑन टीवी, राइट? सो हु वुड मिस एन अपॉर्चुनिटी लाइक दैट. एंड मुझे जैसे ही ऑफर आया था आई सेड या आई विल डू इट. डर नहीं लगा कि यार अभी तक हम लोग देखते थे उन लोगों को, कुछ कहते हैं अब लोग मेरे को जज करेंगे? डर उस इंसान को लगता है बेसिकली जिसके पास बहुत कुछ छुपाने के लिए होता है. वाज वेरी कूल, आई डोंट हैव एनीथिंग टू हाइड अबाउट. It's okay, मुझे लगता है people will hate me or love me, but you know, you can't ignore me. Yeah, so it was fun. मुझे ऐसा कुछ छुपाने का मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि मैं वर्ल्ड को ये चीज़ अपनी नहीं दिखाना चाहती हूँ. एक चीज़ जो मेरे में एक नेगेटिव बात थी वो थी मेरा गुस्सा, जो कि आई एम वेरी थैंकफुल कि बिग बॉस के बाद बहुत काम हुआ है. Okay. Yeah, बिकॉज उस जगह पर रहने के बाद एंड आई थिंक इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस फॉर मी. आई हैड अ ब्लास्ट डूइंग दैट शो. And it's real. मतलब जो भी मुझे सबसे पहले बोलते हैं सब बिग बॉस रियल होता है कि एक हाँ ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ये हर कोई मुझसे पूछता था, बट इट इज़ नॉट स्क्रिप्टेड गाइस, इट्स ऑल रियल. एंड आई थिंक एज अ पर्सन इट इज़ मेड मी वेरी काम, वेरी कंपोज्ड, एंड आई एम रियली एंजॉइंग द आफ्टर बिग बॉस. लेकिन क्या है सृष्टि, अगर हम लोग कहीं घूमने भी जाते हैं तो 2-3 दिन 4 दिन के बाद लगता है चलो अब घर वापस चले, वहाँ तो एक बंद जगह पे रहना उन्हीं लोगों से तो हुआ था, इतना आसान नहीं होता होगा साइकोलॉजिकल. मुश्किल तो था डेफिनेटली, बट इट इज वन एक्सपीरियंस दैट यू कांट बाय.
आप पैसे देकर भी वो कभी नहीं कर सकते. आप कहीं जाना भी चाहो तो वहाँ पे आप ऐसी सुविधाएं भी होती है, अनलेस मतलब संन्यास लेने जा रहे हो, मतलब यू नो तो अलग बात होती है. बट अदरवाइज आप कहीं भी जाओ इस दुनिया में फोन्स एंड इस सब की फैसिलिटी होती है. या आप ठीक है मैक्स रह लोगे 2 महीना विदाउट योर, मतलब 2 हफ्ते रह लोगे विदाउट योर फोन, बट उसके बाद यू वांट टू नो हाउ योर फैमिली इज. दिस वाज वन प्लेटफॉर्म जहाँ आपको पता है आपकी फैमिली सेफ है, जहाँ आपको सब पता है, आपको वो देख भी रही है आपको, वो देख रही है आपको. तो इट्स अ वेरी सेफ फीलिंग. आई फेल वेरी सेफ इन द हाउस बिकॉज आई नो माई फैमिली इज देयर वॉचिंग मी, देयर सेफ. सो दिस इज वन एक्सपीरियंस दैट यू कांट बाय एंड I really love the show, yeah. Okay. Big Boss को देखना ज़्यादा आसान है या करना ज़्यादा आसान है? दोनों ही, मतलब मुझे तो देखने में बड़ा मज़ा आया, मुझे करने में बड़ा मज़ा आया. So I think both were fun. Okay, ठीक है. Big Boss में अगर कोई आना चाहता है, by the way, बहुत सारे publicly भी आजकल आने लगे ना, तो आप उनको क्या एक गुरु मंत्र दोगे? Just be yourself. हाँ. यही तो सबसे मुश्किल काम है. यही सबसे मुश्किल काम है. लोगों को लगता है बस लड़ाई झगड़ा करो आप बिग बॉस में दिखोगे, बट लोग ये भूल जाते हैं कि वो स्पैन के लिए फेमस होने के लिए लोग अपना आगे का कितनी लाइफ, यू नो यू हैव टू फेस द वर्ल्ड आफ्टर दैट, यू हैव टू फेस योर सेल्फ आफ्टर दैट, यू नो उस शो में. एंड इट्स अ रियलिटी शो, पीपल फॉरगेट दैट. कि तो जस्ट बी नॉर्मल, जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट बी सीन ऑन टी वी और जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू दैट टाइम बी पॉपुलर, तो आप वो सारी हरकत. बट आई थिंक जितना आप अपने आप रहोगे पीपल विल लाइक दैट, क्योंकि ओरिजिनलिटी रहेगी तो लोग आपको पसंद करेंगे आपके उसको. मतलब आर्टिफिशियल तो दिख जाता है, टैग बन गया है कि बिग बॉस में झगड़ा दिखता है. हाँ. तो लोग जब भी सोचते हैं जो बिग बॉस का आइडिया रखता है मैं बिग बॉस में जाऊंगा झगड़ा करूंगी देखो, दैट्स नॉट ट्रू. इट्स ओके, यू नो इट्स ओके, इट्स नॉट नेसेसरी टू विन. बट व्हेन आई वॉकड आउट ऑफ द हाउस आई वाज फीलिंग सो प्राउड ऑफ माय सेल्फ. आई वाज लाइक आई वॉकड आउट एज अ बेटर पर्सन. तो मेरे लिए मैंने झगड़ा, ये लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ एज सच नहीं किया, बट आई वाज सो प्राउड ऑफ माय सेल्फ दैट आई स्टेड इन द हाउस फॉर 2 मंथ्स. एंड उस घर में शायद काम नहीं आया बट वहाँ से निकल के मुझे बहुत काम आ रही है जो चीज़ें मैंने वहाँ पर सीखी. थैंक यू सृष्टि, थैंक यू सो मच, थैंक यू. तो ये थे सृष्टि रोड, जिन्होंने बताया कि एक्टिंग में करना है काम तो आपको सब कुछ एक्सप्लोर करने को मिलता है. मतलब आप पॉजिटिव कर सकते हैं, नेगेटिव कर सकते हैं, कॉमेडी कर सकते हैं और रियलिटी शो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लिबर्टी, ये प्रिविलेज आपको इसी प्रोफेशन में कि जो चाहे वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और आप बेटर पर्सन भी बन सकते हैं साथ ही साथ में काम करते हुए. जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी. भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे. भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है. अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट.